हेलो एवरीबॉडी, क्रिकेट इनसाइट की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बारे में, जहां पर तीन बुरी खबर सामने निकल कर आ रही हैं। सो दोस्तों, वो कौन सी तीन बुरी खबरें हैं उसको जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, बिकॉज ये आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और सनराइज़ हैदराबाद दोस्तों एक ऐसी फ्रेंचाइज है जिसे हमेशा से प्लेयर को बैक किया है, और अब जो यहाँ पर खबरें निकल कर आ रही हैं वो काफ़ी बुरी खबरें हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको जल्दी से जल्दी अपडेट मिल जाए जब भी हम नई वीडियो डालें। सबसे पहली खबर की बात करें तो वो आ रही है डेविड वॉर्नर के रिगार्डिंग। आज दोस्तों मैच है सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच। सबको दोस्तों आशंका है कि इस बार वॉर्नर खेलेंगे, इस मैच में वो अपना प्रदर्शन दिखाने वाले हैं। लेकिन जो दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि डेविड वॉर्नर आज के मैच में भी अवेलेबल नहीं रहने वाले। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ है, बिकॉज डेविड वॉर्नर जिन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद को पिछले 5 सीजनों से अच्छा खासा सर्व किया है और एक बार सनराइजर्स हैदराबाद को टाइटल भी जिताया है, वो आज आपको खेलते हुए नहीं दिखने वाले। टीम ने उनको बैक नहीं किया है और इस बार भी टीम वही कॉम्बिनेशन के साथ जाने वाली है। एक चेंज हो सकता है, वो ये है कि नबी की जगह जेसन होल्डर दिख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों कोई भी चेंज नहीं होने वाला, जिसका मतलब ये है डेविड वॉर्नर आज नहीं खेलने वाले। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी बुरी खबर के बारे में, सो वो भी आ रही है डेविड वॉर्नर के रिगार्डिंग। अब आपको दोस्तों इस सीज़न में भी डेविड वॉर्नर शायद नहीं दिखें। खबरों की माने सो दोस्तों ट्रेवर बेलिस और टॉम मूडी ने जो इंटरव्यू दिया है उससे पता लग रहा है कि सनराइजर्स हैदराबाद एक स्ट्रेट कॉम्बिनेशन के साथ जाने वाली है, और अब आपको डेविड वॉर्नर इस सीज़न में पूरी तरीके से नज़र नहीं आने वाले और वो कोई भी मैच इसके बाद नहीं खेलेंगे। बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी होगी कि वो एक या दो मैच खेले, लेकिन उसके अलावा वो कोई भी मैच यहाँ पे नहीं खेलने वाले। कम मैचेस बचे सनराइजर्स हैदराबाद के और वो यहाँ पे को बाहर होने की नौबत में आ चुके हैं। तीसरी बुरी खबर की बात करें तो वो है दोस्तों आज का मैच। अगर दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद आज का मैच हार जाती है तो लगभग लगभग वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, विन ही उनके पास एक ऑप्शन है। अगर वो आज का मैच जीतते हैं तो वो टूर्नामेंट में बचे रहेंगे, लेकिन अगर वो दोस्तों आज का मैच हार जाते हैं सो उनके लिए इस टूर्नामेंट में सफ़र यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। सो दोस्तों, आपको क्या लगा कि क्या डेविड वॉर्नर को खेलना चाहिए या नहीं, जिन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद को इतने लंबे टाइम से सर्व किया है, क्या उनको ऐसे बाहर निकालना चाहिए था या फिर नहीं? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देखना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।